कितने मिले हैं? मुझे अभी मालूम हुआ है कि हमें पे मिलने वाली जितने दिन हमने काम किया, तो अभी चलते हैं, सभी जा रहे हैं, तो हमने कहा हम भी चल कर ले लें। बारी का इंतजार कर रहे हैं, ये सब खड़े हैं। मुझे तकरीबन मिले हैं 11,000 और 11,560 रुपये, बाकी सब अभी इंतजार कर रहे हैं। एक्साइटेड हैं आप? नहीं बहुत, पहली दफा पे। वीजा एक्साइटेड हो? नहीं। कौन है ये लोग? कितने मिले हैं? मुझे मिले हैं 87। कट मेरे को। कम मिले? चलो कोई नहीं, बाकी जब आप ज्यादा काम करेंगे ना और मिल जाएंगे। जी अलमास बताओ कितने मिले हैं? 14,010। अमीर हो गए एक दिन में। फीलिंग बताओ? अनएक्सपेक्टेडली मिला तो बहुत ज्यादा खुशी में। माशाल्लाह इधर खिलार दे मोर दे पंखा दी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम किया था उसके पैसे मिल गए, और बाकी जो दिन होंगे उनका काम करेंगे तो उनके पैसे मिल जाएंगे। ये अचानक हमें मिले तो इसकी बड़ी खुशी है, अचानक जो चीज़ हो जाए आपके साथ। अच्छा क्या करने का इरादा है फिर? पैसे ज्यादा है, मैं सुबह इनको बैंक में जमा करवाऊंगा। अच्छा। ये भी तो हो सकता है ना कोई मुखबरी कर दे। मेरे को जानता नहीं। तो इनको मैं संभालने के लिए आज रात जाते मैं एक प्लानिंग करूंगा। मैं बड़ा हरामी हूं बेटा। खुशी होने की वजह ये मेरे पास खर्चा नहीं था। अच्छा तो भाई पैसे मुझे मिले हैं। अच्छा कितने मिले? 14,516। माशाल्लाह 6 रुपए उन्होंने नहीं दिए, लेकिन उन्होंने 14,510। 6 रुपए नहीं दिए? नहीं, वो फंसी हुई है मेरी रकम। अच्छा मैं अभी लेने फंसी हुई है? कहाँ फंसी हुई? अकाउंट में है, उनका अकाउंट में निकलते हैं 6 रुपए। अच्छा और ना होने की वजह बता रहे थे कि आपसे ज्यादा किसी को मिल गए? ओके वो मेरी दोस्त है, बैचमेट भी और दोस्त भी, उसको ज्यादा मिले हैं। मुझे मसला ये है, मैं पास जा रहा हूँ उसी की, अभी उससे ना थोड़ा डकैती करनी है, 390 का पर्चा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी जो है वो बिपो रिकॉर्ड होना है, तो ठीक है उसमें हमने परफॉर्म करना है, सब ने, सब किसी ने परफॉर्म करना है। क्या कहने माशाल्लाह। तो अभी उसको रिकॉर्ड करना है, उसके लिए पहले तैयारी कर रहे हैं, पहले स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। लिखी नहीं जा रही, चीटिंग तो कह रहे हैं मुझे। हाँ सभी एक दूसरे की चीटिंग करेंगे फिर। कुछ नहीं है सिर्फ ये। हाँ चलो जो भी कर रहे हैं इनकी मान लीजिए, सैयद जात मान लेते हैं इनकी। ये आके भाई हैं, यहाँ होते हैं हमारे इलेक्शन सेल में, हमारी निगरानी करते हैं, और जहाँ हमारे में मुश्किल पेश आती है तो ये हमारी रहनुमाई करते हैं। तो इनकी स्माइल है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, अल्लाह ताला इनको ऐसी मुस्कुराता रखे। जिंदाबाद, लग जाए कमाल कर दे। ये शादेव भाई हैं, और अभी अपनी स्क्रिप्ट जो है उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। कैमरामैन भाई हैं जो इस वक्त बेचारे बड़ी मेहनत से सबको इक्वल कर रहे हैं कि जी यहाँ खड़े हो के इस तरह आपने वीडियो बनवानी है, बड़ी बात है जी। तो मेरे पास आ गए हैं माशाल्लाह, कहते हैं आपका लिंक कौन सा है जी यूट्यूब चैनल का? तो मैंने कहा जी नदीम अशरफ, आप सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। भाई जन कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रॉपर्टी एंटी प्रॉपर्टी क्या कहूँ मैं, आप बता दें कि क्या कहना चाहिए ऑन स्क्रीन और ऑन कैमरा। ऑन कैमरा नून लीग नहीं, एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा और बैक कैमरा पीटी। समझ रहे हैं आप। हमारे पास नई मनी ब्यूरो चीफ लाहौर हैं, वो आ चुके हैं। कल भी किसी की है क्या? नहीं है सर, कल तो नहीं, कल नहीं। हनीफ प्योरो चीफ लाहौर, उनका आज बर्थडे थी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, फ्रेश हो गया हूँ मैं, और बाल मैंने सेट कर लिए, अब मेरी बारी है। स्क्रिप्ट मैंने तकरीबन रेडी कर लिया, बाकी चलकर 2-3 मिनट और रेड करते हैं, फिर चलकर परफॉर्म करते हैं इसको अच्छे से। कौमी असम्बली का हल्का NA82 सरगोधा 2024 के इंतखाबात में खुसूसी अहमियत का हामिल है। हमारी जो वीडियो थी वो बिल्कुल रिकॉर्ड हो चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से। अब टाइम है जी खाने का, तो खाना खाते हैं जरा चल के दबा कर, लेकिन आपको बताएंगे टेस्ट कैसा है उसका। आज की जो शूटिंग थी वो कंप्लीट हुई। गनी भाई हमारे साथ मौजूद है, कैमरामैन समर टीवी, और बहुत अच्छा लगा इनके साथ। गनी भाई कुछ कहना चाहे यार? सब ने बहुत अच्छा साथ दिया जी, इसी तरह सब प्रैक्टिस करेंगे और कुछ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह गनी भाई ने बड़ी अच्छी बात कर दी, सब ने बेहतरीन कहा, और ये मोटिवेशन सबके लिए होती है। मोटिवेट करने वाले इंसान के साथ हमेशा रहें, आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, उससे किनारा करें, क्योंकि वो आपको ना तो आगे बढ़ने देगा ना ही आपका साथ देगा, और आपके अल्फाज डगमगाएंगे लड़खड़ाएंगे,
ख्वाबों के ऐवानों में आप बिल्कुल संजीदा रह जाएंगे। तो इसलिए मेहनत करें, आगे बढ़ते चलें। अब हम मौजूद हैं मेस में जहाँ हमें खाना खिलाया जाए और हर रोज़ हम यहाँ से खाना तनावुल करते हैं दोपहर में और रात में। आज हमारे पास मौजूद है चावल, पुलाव कह सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ इसमें गोश्त भी है। सामा भाई दरअसल पहले लगे हुए हैं, हमसे पहले आ गए। ये जी यहाँ से थोड़ा सा राइता, ब्लॉग मुकम्मल हो जाए ना तो बता दें। ये अच्छा बना हुआ, भूल जा भूल जा। यहाँ जी हमारे पास लल्ले बेचारा, सर ये बड़ा ही सख्त है, ये तो जब मैं इसका सहारा भी नहीं ले रहा, इसको ज़रा छोड़ते हैं, ऐसे बाद में परेशानी का सबब बने। तो इससे अच्छा जी यहाँ रायतों को इस्तेमाल करें, इसके साथ चिकन बेचारा यहीं रहे। केस भावे वापस ले, भावे लड़, फीस वापस नहीं होगी। अच्छा बना जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना, और थोड़ा सा चिकन ज़्यादा हो थोड़ा सा कच्चा था, लेकिन बाकी बहुत ओवरऑल अच्छा था। खाना वैसे ही अच्छा होता है, पकाने वाले में थोड़ा बहुत कभी कभी फॉल्ट आ जाता है, तो अल्लाह का रिज़्क हमेशा उसकी तारीफ करें। इसी के साथ इख्तिताम का टाइम होता है और अब चलते हैं वापस अपने घर को। टाइम भी तकरीबन 9 से 10 के दरमियान है, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान नदीम अशरफ को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।